जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात बुलंदशहर के जगपाल सिंह पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में गोली लगने से शहीद हो गए। शहीद जगपाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव समेलपुर के भैंसरोली पहुंचा, जहां शहीद को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने शहीद के परिवार को मदद के लिए 20 लाख का चेक दिया। देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए और देश को पूरे सीमा पर सुरक्षित करता हुआ देश के लिए और राष्ट्र के लिए नौजवान शहीद हुआ, आज श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग आए हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे परिवार को एक ताकत साहस दे जो इनके अभाव में जी सके। और सरकार हर प्रकार से, मन योगी सरकार, मन मोदी जी की सरकार, हर प्रकार से मदद और आज 20 लाख का चेक परिवार के लिए प्रदान किया गया है। और बाकी भी जो मांगे हैं जो भी बीच में आए हैं, डीएम साहब ने कह दिया, रोड का है, गांव के अस्पताल का है, अन्य रोडों का है, जिला पंचायत के माध्यम से, विधायक के निधि के द्वारा और सरकार की निधि के द्वारा। शहीद की अंतिम विदाई के दौरान लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।